हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आज है भैया की मेहंदी। बर्थडे में हम लोग बहुत कुछ पैकिंग किए हैं, शादी में जो जो लगता है वो सब मैं अभी आपको दिखाऊंगी फुल डिटेल्स में। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनोरा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो सबसे मेन होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने तो एक रैंडम बक्सा मंगवा लिया था जिसमें जितना भी कुछ सामान होता है सब हम लोग एक जगह डाल देंगे और आराम से रहेगा भी और इधर उधर टूटने फूटने का भी डर नहीं रहता। तो देख सकते हैं सिनोरा में यहाँ पर मम्मी सिंदूर डाल रही है, उसके बाद जो भी तात पात वगैरह वगैरह रहता है सब इसमें डलाता है और एक चांदी का सिक्का डलाता है। और अगर आप चांदी का सिक्का ना डालें तो कोई भी ऐसे भी आप कॉइन डाल सकते हैं। बाकी आप इन फ्यूचर कभी चांदी का सिक्का लेकिन सिनोरा में ज़रूर रखिएगा, बहुत 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 अच्छा होता है। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया और ये देखिए इसका ढक्कन बहुत आराम से और अच्छे से बंद करना होता है। और ये सिनोरा हम लोग जमुई से ही लेकर आए थे, बहुत सुंदर। और अभी खोइचा का रेडी करें क्योंकि शादी के जब बाद एक बार खोइचा एक्सचेंज होता है। आप अगर पहले का मेरा शादी का ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इसको भी मैं एक जगह सब कुछ कर ली हूँ यहाँ पर एक छोटू सा टिफिन में। तो ये ना ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा था तो फिर मैंने एक प्लास्टिक लगा के इसको अच्छे से बंद कर दिया ताकि ये गिरे उरे ना। तो ये अच्छे से एकदम टाइट से बंद हो गया है और ये सब मैं अभी बक्सा में डालूंगी। उसके बाद यहाँ पर दुनिया भर का कपड़ा आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो रेडी कर रहे हैं, भाभी हेल्प कर रही है, ये है जो लड़की के साइड में जितने लोगों को देना है, उनकी बहन को, उनकी मम्मी को, उनकी फुआ को, उनकी चाची को, जितने भी लोगों को गिफ्ट देना है साड़ी वो सब रेडी किए हैं। उनके पापा को सब कोई का नाम लिख दिए, जितने लोगों का उधर से नाम आया था सब कोई का इस पे ना एक छोटा सा कार्ड पे नाम लिख दिए ताकि उन लोगों को देने में इजी हो। और फिर ये सब हम लोग बक्सा में डाल दिए ताकि वहाँ पे हम लोग फटाक से निकाल कर दे दे। तो फटाफट मम्मी इसमें सब डाल रही है सबको देखते देखते कि किसी का छूट ना जाए। बाकी वैसे तो हम लोग दो तीन एक्स्ट्रा साड़ी रख रहे हैं, अगर शादी के टाइम वो लोग बोलेंगे कि ना इसको इसको उसको तो हम लोग आराम से दे सके। और वैसे दो तीन साड़ी एक्स्ट्रा जाता है, एक नाउन का होता है, एक जो क्या बोलते हैं करते हैं सब शादी वादी में उनका होता है और पता नहीं किसको किसको दिलाता है। तो वो सब रेडी रखे थे हम लोग। फिर उसके बाद बक्सा बहुत खाली था सब कुछ रखने के बाद भी। तो यहाँ पर ना जितना भी हम लोग पैक किए थे सामान इसको ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर की हूँ। तो ये दोनों को इसमें अच्छे से डाल दी ताकि ये ना इधर उधर नहीं हो गया, टूटे फूटेगा भी नहीं और बहुत अच्छे से रहेगा। देख सकते हैं ये सारा मेकअप का सामान जो भी था, लेकिन हाँ मेकअप का सामान तो मैंने ऐसे ही दिखाया था ना ताकि उसका फोटोज अच्छा है, बट मैंने मेकअप बॉक्स भी लिया है। ये बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं बहुत स्पेसियस है, इसके अंदर भी कुछ है वो दिखाती हूँ। उस दिन हम लोग बैंगल्स लेने के लिए गए थे, ये सारा बैंगल्स हम लोग इसके अंदर डाले हैं मैचिंग। और इसमें कुछ कुछ क्लचर वगैरह जो एक्स्ट्रा सामान हम लोग उस दिन खरीदे थे बाद में पैकिंग के बाद, आप लास्ट ब्लॉग देख लीजिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा, वो सब इसमें डाल दिए। बाकी ओवरऑल जब ये प्लास्टिक खुलेगा जो पैकिंग की हूँ वो भी इसमें आराम से इजिली आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक यहाँ पे पर्स लिया है और इसके बाद ये है दो पोटली जिसमें होता ना जैसे लड़का का शादी में तो कसार नहीं बनता है, कुकड़ूल बुकवा और क्या क्या बनता है वो सब होता है, तो वो सब भरने के लिए। तो चलिए अब पहले लड़की का सारा पैकिंग करते हैं, लड़की को क्या क्या दिला रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 5-6 सूट लिए थे और बाकी सारा साड़ी लिए थे इतना कुछ। तो ये सब में छोटू हेल्प कर रहा है ऊपर में, वो होता है ना रिबन लगाने के लिए। ये एक बहुत प्यारा सा लहंगा है, उसके बाद ये है डार्क पिंक होता है ना उस टाइप का सूट, और ये एक रॉयल ब्लू सूट, मतलब मिक्स कलर हम लोग लिए हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये है एक बहुत प्यारा सा चुंदरी वाला सूट, गाउन है ये एक्चुअल में, और मुझे ना ऐसे भी चुंदरी वाला चीज़ बहुत पसंद पड़ता है। ये एक स्कर्ट वाला ड्रेस है। उसके बाद ये सब मैं एक साइड डाल दी हूँ बैग का, और जो ट्रॉली बैग भी है ना उस साइड में, मतलब बहुत स्पेसियस है ये, अच्छा है, आपको मैं आगे दिखाऊँगी। एंड इसको मैं एक साइड में डालकर अच्छे से बंद कर दी। अब दूसरे साइड में मैं सारा साड़ी डालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ। एक हाथ से मैं सूट भी कर रही हूँ, एक हाथ से मैं रख भी रही हूँ। और मैं रख इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं ही हूँ एक ऐसा इंसान जो एक बैग में बहुत कुछ घुसा सकता है, बाकी सब लोग गिव अप कर देंगे। मेरे से ऐसा होता है कि आप जितना भी सामान दोगे मैं सब हटा दूंगी, और कपड़ा वाला बैग में तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, बट ये प्लास्टिक का जैसा जो रहता है ना उसमें नहीं एडजस्ट होता है, बट मैं उसमें भी एडजस्ट कर दे देती हूँ। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे सब तरह का साड़ी है दिया रहा है, मतलब टोटल 11 या 21 ऐसे कुछ दिलाया था। बाकी ओवरऑल बहुत कुछ घर में भी था तो फिर उतना लेके जाना लेके आना भी पॉसिबल नहीं था, तो उन लोग उतना छोड़ दिए, जो जरूरी था वो सब लिए। जैसे वो लहंगा साड़ी था, ये सब बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर, भाभी अगर डेली में पहनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और ये रहा ट्रॉली बैग, बहुत खूबसूरत सा। और अब चलते हैं आगे का प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी और एक मामी जी बगल से आई हैं, वो हेल्प कर रही हैं कुकड़ूल बुकवा बनाने में, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैदा को चाला जा रहा है,
है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो इसमें डालकर बनता है और बहुत कुछ रेडीमेड बनकर आता है, जैसे खाजा हुआ और ये देखिए सूखा बूंदिया हुआ, ये सब एक एक पोटली में जाता है, टोटल 5 पोटली में जाता है। हम लोग को पहले पता था कि दो, मतलब ध्यान में नहीं था, तो दो ही पोटली बनवा के लाए, बट कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर अच्छे से मिलाया जा रहा है, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तब ना मम्मी बुलाएगी 5 लोग को सिप खाने के लिए। आप इसका बात सुनिए, समझाए लेगी, मारेंगे तुमको, मारेंगे ऐसे 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 ऐसे। देख रहे हैं नौटंकी को, बस टच करने से ही ना इतना नौटंकी स्टार्ट कर दिया, दो मिनट में चुप हो जाती है। तो यहाँ पे सब रेडी हो गया, फिर मम्मी 5 लोग को बुलाई और सब लोग यहाँ पे छू रहे हैं 5-5 बार, बस ये नियम होता है कि 5 लोग मिलकर बनाते हैं लोग। तो यहाँ पर ये और भी जो चीज़ था सब कुछ 5-5 बार छू कर सब पैक कर दिया गया। अब लगेगा मेहंदी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।